बिलवाता विधानसभा क्षेत्र से सपा रालोद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने कल आए एग्जिट पोल को लेकर भाजपा सरकार व गोदी मीडिया पर जमकर हमला बोला और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार का भभू बन गई है, इन्होंने अपना ईमान गिरवी रख दिया है। जनता को भ्रमित करने के लिए ये गोदी मीडिया उसी भाषा को बोलेगी जिस भाषा को बीजेपी वाले बोलने के लिए कहेंगे। बीजेपी की तरफ से एक एलायंस जारी हुई थी कि 255 सीटें हम लेकर आ रहे हैं, वही पूरे चैनल उसी भाषा को बोल रहे हैं। तो इसी तरह से ये तो सरकारी मीडिया है जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, इनके सब सामने आ जाएगा जब 10 तारीख को रिजल्ट खुलेंगे। ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि इस बार सपा रालोद गठबंधन को 220 से 225 सीट मिलेंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 10 तारीख को अधिक से अधिक जनसंख्या में मंडी समिति में पहुंचकर काउंटिंग की व्यवस्थाओं को संभालें। वहीं उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर पूर्व प्रधान अभय पाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रालोद ठाकुर, बीरी सिंह, साधुलाल भार्गव, कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष चौधरी रोशन सिंह, पूर्व प्रधान संचौली श्याम सुंदर, पूर्व जिला अध्यक्ष सदस्य अंगद बंजारा चौधरी गजेंद्र सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। बगीचा, ये ब्रज दूल्हे का रहस्य क्या है? ब्रज दूल्हे को होली का नायक कहा जाता है, क्या मामला है? आपको विश्व प्रसिद्ध होली नंदगांव बरसाना की लठामार होली का प्रारंभ हुआ, उससे प्रारंभ की बात है। जब नंदगांव के होरियाले लाला के साथ आ रहे थे तो ब्रजगोपियाँ उनका होली के लिए इंतजार कर रही थी, तो बहुत सारे ग्वालवाल और ठाकुर जी एक साथ थे, वो बस्ती में होली के लिए चले आ रहे थे। तो ब्रजगोपी कह रही थी कि तो बहुत हमारा माखन चोर चोर के हमें बहुत ताकत है, यदि इन्हें मौका दिया गया तो हमें रंग में दबा देंगे और हमारे साथ में ज़बरदस्ती करेंगे। तो ब्रज गोपियों ने सलाह बनाई कि इनके लिए लठ का प्रयोग किया जाए, जब ये ज़्यादा हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, तो इनके लिए लठ चाहिए। तो ब्रज गोपियों ने लठ ले लिया, लाठी को ले ब्रज गोपियों को जब ग्वालवाला और लाला ने देखा, ठाकुर जी ने देखा, तो सब इधर उधर भाग गए और भाग के बिल्कुल गायब हो गए। तो ब्रज गोपी कहने लगे, अभी तो लाला यही था, होली खेलने के लिए आया, बाल वाले को सब गया कहाँ? तो ठाकुर जी ब्रजगोपियों से डर के एक कंदरा में घुस गए। तो ब्रजगोपी ढूंढती ठाकुर जी को वहाँ पहुँची और उनका कान पकड़ा, बोले हमने तुझे होली के लिए बुलाया था, होली तुम्हें तुम्हारे साथ होली के आपके साथ होली खेलने के लिए बुलाया था, यहाँ तू दूल्हा बना बैठा है, चल दूल्हा चल तेरे साथ होली खेलते। ठाकुर जी कान पकड़ दिए और लाठी के बल से ठाकुर जी को निकाल दिया। आज भी पहले ब्रजगोपी अपनी लाठी के साथ ठाकुर जी को कूदा दे के वहाँ से निकालती है। नंदगांव के सारे ग्वालवाल जब बरसाना होली खेलने के लिए आते हैं अपनी पगड़ी और वहाँ लाला से कहते हैं, लाला चलो दूल्हे सरकार चलिए, अब होली का आनंद लेते हैं और वहाँ से लठवार होली का प्रारंभ। 10 तारीख को काउंटिंग वाले दिन क्या कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ छाता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जनता ने चुनाव लड़ा है, तो सरकार की जो मंशा बेईमानी की है, इनका इंटेंशन मेला फाइड है, ये किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तो मैं छाता क्षेत्र के खासतौर तो अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से अपील करना चाहूँगा कि इनके मनसूबे पूरे न हों, इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता छाता क्षेत्र की हमारी आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को मंडी परिसर के पास पहुँचे, जहाँ उसमें जहाँ गिनती होगी, मंडी परिसर के आसपास जनता रहेगी, तो वो किसी तरह की बेईमानी ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी जनता से अपील है सभी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को सुबह ही मंडी परिसर में जहाँ गिनती होगी वहाँ पहुँचे, मंडी परिसर के पास वहाँ एक व्यवस्था की गई है सभी कार्यकर्ताओं की, वहीं रहेंगे, सबकी खाने पीने की व्यवस्था है, ठहरने की, तो वो सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, जिससे किसी तरह की कोई बेईमानी ये न कर पाएँ।